आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गॉड टॉक के शो के अंदर। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आई मीन ऑल ऑफ माय गेस्ट आर स्पेशल, लेकिन अंकित भाई के साथ में पास्टर अंकित, बट आई टेक फ्रीडम टू कॉल हिम भाई बिकॉज अंकित भाई के साथ में मेरा रिश्ता जो है वो दिल्ली से है। और ही इज लाइक अ ब्रदर, ही इज लाइक अ ब्रदर इन क्राइस्ट। एंड आई एम सो प्रिविलेज, मैं बड़ा ही आनंदित और खुश महसूस करता हूँ अंकित भाई को आज इस शो में पाकर। उन्होंने इन्विटेशन स्वीकार किया, वो बहुत बिजी हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन दिल्ली एनसीआर, और बड़ा ही जबरदस्त काम परमेश्वर उनके द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनकी कलीसिया के द्वारा जो प्रभु ने उन्हें दी है प्रभु कर रहा है। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन एंड रिसीव दिस मॉर्निंग। एंड आई होप एज यू आर लिसनिंग टू दिस शो, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मनों को तैयार कीजिए एंड लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू यू। जो भी शब्द आता है, जो भी वर्ड आता है, टेक इट यू नो, और उसके ऊपर ध्यान करें, उसके ऊपर मनन करें, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आज आप में से बहुतों के लिए बहुत ही सॉलिड वर्ड यहाँ पर रखा हुआ है। ऑलराइट, सो विदाउट डिलेइंग फर्दर मैं इसमें जंप करना चाहूंगा। एक बार फिर से पास्टर अंकित, अंकित भाई, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ आज अपने शो के अंदर, गॉड टॉक के अंदर। थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग टाइम एंड एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन। Thank you so much, Ashley bhai. It's such a privilege. Thank you for inviting. Yeah. Ankit bhai, आपका जीवन जहां तक भी मैंने जाना है और आपकी गवाही मैंने सुनी है, आपकी सेवा को जो मैंने देखा है जब मैं दिल्ली में था, एक चीज मैंने देखा है that you are a man of faith. आप विश्वास से चलने वाले प्रभु के जन हैं, और ना सिर्फ चलने वाले, ना सिर्फ सुनने और बोलने वाले, लेकिन प्रैक्टिकली उसको आपके मुंह से सुनते नहीं, लेकिन आपके जीवन में मैंने होते हुए देखा है कि कैसे आप विश्वास से चले और प्रभु ने आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम किए। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस बात में बड़ा स्ट्रगल करते हैं कि हाँ मुझे विश्वास तो है, लेकिन मैं मुश्किल समयों में जब 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 एक्चुअल में उस विश्वास को इस्तेमाल करने का समय आता है तो उसको कैसे मैं इस्तेमाल करूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डज इट मीन टू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, कि हम लोग विश्वास से चलें देखने के द्वारा ना, इसका मतलब क्या है, अगर आप हमें थोड़ा समझा सकें। भाई मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर स्थान दें, अपनी परिस्थितियों से भी ऊपर हम परमेश्वर के वचन को स्थान दें। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और जब उसका नाम चेंज किया, उसका नाम पहले अब्राहम था और वो और जो सारा थे वो बांझ थे, उनका कोई संतान नहीं था, और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम कर दिया, यानी फादर ऑफ मेनी नेशंस, कई जाति जातियों का पिता। और जब परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया, उस समय उसके पास कोई संतान नहीं थी। सो हमें यहाँ पे ये देखना है कि परमेश्वर का जो विश्वास है वो एक अलग तरीके से कार्य करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो विश्वास है वो एक लॉ है, बाइबल कॉल्स इट द लॉ ऑफ फेथ। सो अगर हम ये समझ गए कि ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है तो हम इसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। जैसे कि जब इंसान ने लॉ ऑफ थ्रस्ट और लॉ ऑफ लिफ्ट को समझा तो वो बड़े बड़े एयरप्लेन बना पाया, और उसके द्वारा आज हम देखते हैं कि जिस जर्नी को करने में इंसान को महीनों लग जाते थे, अब कुछ घंटों में इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक सिद्धांत को समझा, उस सिद्धांत को अप्लाई किया, और जब उस सिद्धांत को अप्लाई किया तो उन्होंने अपने जीवन में उसका जो है बेनिफिट भी देखा। वैसे ही परमेश्वर का जो विश्वास है वो एक सिद्धांत है, और जब हम उस सिद्धांत को समझते हैं तो हम समझते हैं कि परमेश्वर को जो सिद्धांत है वो उसके वचन के द्वारा कार्य करता है, और उसके वचन को जब हम अपनी आसपास, जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों से चीजें देख सकते हैं, जो चीजें हम आंखों से देख सकते हैं, सो सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर, यानी परमेश्वर उन चीजों को, उन वस्तुओं को ऐसे बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो है, जैसे कि उसने अब्राहम के समय में किया।
सो जब उसने अब्राहम को बोला कि अब्राहम अब से तू कई जातियों का पिता है, तो फिजिकली अब्राहम के पास उसका कोई एविडेंस नहीं था, मगर उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया। उसने उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पास तो मैं कैसे अभी पिता हो सकता हूं। वैसे ही और परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। अब्राहम जो है वो उसने क्या किया, वो डगमगाया नहीं परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, वो अड़िग बना रहा। तो मेरे ख्याल से जब हम परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, जबकि हमारे आसपास हमें कुछ नहीं दिखता वैसा, मगर जब हम परमेश्वर के वचन पे पूरा विश्वास करते हैं और उस पे अड़िग बने रहते हैं, एंड वी होल्ड ऑन टू अ कन्फेशन, हम अपने अंगीकार बनाए रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो विश्वास क्या करेगा कि हमारे आसपास की जो परिस्थिति है उसको बदल देगा। वाओ एंड आई थिंक वन थिंग दैट रियली स्टैंड्स आउट, एक जो आपने बात बोली वो एकदम से निकल के आई, एंड वो कि द फेथ इज अ लॉ, बाइबल सेज अ लॉ ऑफ फेथ, यू नो, सिद्धांत है ये सिद्धांत, और परमेश्वर के सिद्धांत काम करते हैं और उनका तरीका है। एंड जैसा आपने बहुत खूबसूरती समझाया कि अगर हम उसको समझ लेंगे कि कैसा काम करता है तो हम उसका फल भी खाने पाएंगे। That is so true, भाई. And जितने भी व्यूवर्स इस समय सुन रहे हैं, मैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप जैसे अंकित भाई ने बताया कि वो सिद्धांत परमेश्वर के वचन पे काम करता है, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें और कैसे वो सिद्धांत आपके लिए भी काम करने लगेंगे, ना सिर्फ बाइबल में उन बड़े बड़े योद्धाओं के लिए, लेकिन आपके जीवन में भी वो सिद्धांत जो है वो काम करने लगेंगे। एक और चैलेंज जो अंकित भाई बहुत से लोगों के सामने आता है कि हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, everybody says कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जैसे ही जब मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग विश्वास को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में संकोच करते हैं, या फिर गिर जाते हैं, या फिर नाकाम हो जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है आपसे कि अगर मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ एक विश्वासी होने के नाते, तो मैं कैसे अपने विश्वास को एक्शन में, अपने विश्वास को कार्य में, अपने रोज की जिंदगी में मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? भाई आई वुड से दैट हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई उस वो बीज के द्वारा कार्य करती है। सो आई वुड से हर कोई भी व्यक्ति जो विश्वास का व्यक्ति बनना चाहता है और विश्वास में चलना चाहता है, आई थिंक माई एडवाइस टू देम वुड बी स्टार्ट विद लिटिल। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो किसी परमेश्वर आयत को लेते हो, कहते हैं लिखा है कि मांगो तो मिला जाएगा, तो मैं फरारी मांगता हूँ। नहीं, परमेश्वर का राज्य ऐसे कार्य नहीं करता। बाइबल कहती है कि डू नॉट डिस्पाइज द हम्बल बिगिनिंग। हर एक चीज की शुरुआत जो है वो छोटी छोटी चीजों से होती है। तो यानी हम लोग कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेथ को इमरजेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन रोमियो में कहता है द जस्ट शैल लिव बाई फेथ। यानी कि हर रोज जो हम जीते हैं हमारा जीवन ही विश्वास का होना चाहिए। तो यानी जब हमारा जीवन बिल्कुल बढ़िया है, जब हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, जब हम बीमार नहीं है, जब हमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तब भी हमें लगातार अपने फेथ को एक्सरसाइज करना है, तब भी हमें लगातार परमेश्वर के वचनों को बोलना है, तब भी हमें लगातार वो जय की घोषणाएं करनी है। केवल तब नहीं जब क्राइसिस हमारी लाइफ में हिट करती है, केवल तब नहीं जब परेशानी और दिक्कतें हमारी लाइफ में आती हैं, मगर हर रोज हमारी जो लैंग्वेज है वो फेथ की लैंग्वेज हो जानी चाहिए। केवल तब नहीं, देखिए मैं इसको इस तरह से बोलूंगा कि अगर एक सोल्जर है, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि हम लोग जो मसीह में हम लोग एक सोल्जर्स की तरह है, सोल्जर्स हम लोग उस योद्धा की तरह है। सो अगर एक एक आर्मी मैन है और वो रोज प्रैक्टिस नहीं करता, देखिए जो आर्मी वाले होते हैं, और अगर किसी के रिश्तेदार हैं तो वो जानते भी होंगे, तो जो आर्मी वाले अपने बॉर्डर में जबकि बिल्कुल पीस भी चल रहा है बॉर्डर में, तब भी वो लगातार रिगरस ट्रेनिंग से चलते हैं और वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर कभी अटैक आएगा दुश्मन की तरफ से तो दे आर ऑल रेडी। और बाइबल बताती है कि हमारा भी ऐसा ही एक विरोधी है जो ये इस मौके में है कि हमें फाड़ खाए। इसका मतलब अगर हम वो विश्वासी हैं जो बुद्धिमान विश्वासी हैं, तो यानी हम लोग प्रिपेयर्ड एक जीवन जिएंगे, हम लोग पहले से तैयारी कर रखेंगे अगर कभी दुश्मन हमारे जीवन में अटैक करने की कोशिश करता है तो हम पहले तैयार हैं। सो ख्याल छोटे से शुरू करिए और हल्के हल्के हर एक चीज में विश्वास को अप्लाई करिए और आप देखेंगे कि हल्के हल्के वो बढ़ता जाए।
wow, this is amazing भाई, this is amazing. Thanks for sharing this. कि छोटे से शुरू करें और एकदम से वहां पहाड़ पे ना पहुंच जाएं कि वहां मुझे ये चाहिए. And thank you for sharing this. Because आपने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली एंड मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और वो ये कि आपने कहा कि कई बार मुश्किल समय में हम अपने विश्वास को एक्सरसाइज करते हैं, एंड विच इज वेरी ट्रू. आई थिंक 90% बिलीवर्स जो हैं वो यही सोचते हैं कि जो हमारा फेथ है, जो हमारा विश्वास है, इट्स लाइक अ रिजर्व, लाइक हमारी मोटरसाइकिल में एक रिजर्व पॉइंट होता है ना, कि जब मुश्किल आ जाएगी तब हम उसको रिजर्व को खोलेंगे और उसको फिर हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे. बट यू सेड इट सो करेक्टली कि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और हर वो जिंदा रहने के लिए हर दिन उसे अप्लाई करेगा. थैंक यू सो मच. सो विश्वास जो है वो सिर्फ मुसीबत के दिन के लिए नहीं है, विश्वास जो है वो हर दिन के लिए है और हम सब के लिए है. एक और चीज जो बहुत से विश्वासी जो है वो स्ट्रगल करते हैं भाई, एंड मैंने बहुत से लोगों से बात की है, मजबूत विश्वासी भी जो होते हैं जब मुश्किल समय उनकी जिंदगी में आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग कमजोर पड़ जाते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी रहे हैं जो बिल्कुल विश्वास में पिछड़ गए या फिर बैकस्लाइड हो गए. और ये बहुत लंबे समय से, यानी बाइबल के समय से भी अगर हम देखें तो ये एक एक परेशानी चलती आ रही है कि जब मुश्किल आती है, व्हेन यू नो इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन द रबर हिट्स द रोड तब जाके असली परीक्षा होती है ना, गाड़ी जब तक खड़ी रहे तब नहीं. तो जब असली मुसीबतें आती हैं, जब असली ब्लो आता है, जब असली परेशानियां आती हैं, तब उस समय में उन मुश्किल परिस्थितियों में एक आम विश्वासी या एक मजबूत विश्वासी भी अपने विश्वास में मजबूत कैसे बना रहे और कैसे वो उसमें चलता रहे. भाई देखिए, मैं तीन चीजें कहूंगा जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं. मैं प्रैक्टिकल आपको कुछ स्टेप्स दूंगा. पहला, बाइबल कहती है रोमियो 10 में कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है. इंग्लिश बाइबल से फेथ कम्स बाय हियरिंग. और जो वहां पे जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट बाय हैविंग हर्ड. विश्वास एक बार सुन लेने से नहीं आता, मगर लगातार सुनने से आता है. यानी अगर हम चाहते हैं, देखिए जैसे मछली है, मछली जो है जब तक पानी के अंदर रहेगी तो वो जिंदा रहेगी. जैसे ही मछली को पानी के अंदर से निकाल देंगे वैसी मछली मर जाएगी. और हमें ये समझना जरूरी है कि जो हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं, हमारा विश्वास ही फेथ, हमारा जो जन्म है वो ही फेथ के द्वारा हुआ है. सो हम लोग वी आर फेथ बींग्स. हम लोग इसीलिए तो हम विश्वासी कहते हैं अपने आप को. हम कहते हैं हम विश्वासी हैं. हम विश्वासी इसलिए हैं क्योंकि हम विश्वास से हमने जन्म लिया है. और अगर हमने विश्वास से जन्म लिया, यानी जब तक हम विश्वास के अंदर जिएंगे हम लोग थ्राइव करेंगे, हम लोग एक वाइब्रेंट जीवन जिएंगे. मगर जैसे अगर कोई मछली को पानी में से निकाल देगा तो छटपटाने लग जाएगी, वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि देखिए मछली का सोर्स पानी है, तो जब तक वो अपने सोर्स के अंदर रहती है तब तक वो फलती फूलती और अच्छे से रहती है. वैसे ही हमारा सोर्स जो है वो है परमेश्वर का वचन. और परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहते हैं तो बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो विश्व उससे क्या पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा. यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है और अगर आप विश्वास के व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप विश्वास में महान कार्यों को देखना चाहते हैं, सो सबसे पहले समझ जाइए कि एक ही उसका उत्तर है और वो है परमेश्वर का वचन. परमेश्वर के वचन के अलावा आपको विश्वास कहीं और से नहीं मिल सकता. परमेश्वर का वचन ही वो श्रोता है जिससे विश्वास बहता है. सो ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताइए. परमेश्वर का वचन बोलिए, सुनिए, उसको मेमोराइज करिए, उस पर मनन करिए, उसके बारे में सोचिए. ये पहली प्रैक्टिकल स्टेप है. सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घरों में परमेश्वर का वचन लिख के अपने ड्रॉइंग टेबल अपने डाइनिंग टेबल में, अपने ड्रॉइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अलग अलग जगह आप लगा सकते हैं और बार बार परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं. यह है पहला तरीका. दूसरा तरीका है, परमेश्वर का वचन कहता है फेथ वर्क्स थ्रू लव. अगर कई बार मैंने देखा है कि क्यों कई लोग विश्वास में नहीं चल पाते, वो इसलिए क्योंकि उनके मन में बहुत कड़वापन है. मैंने देखा है कि ऑफेंस उन झाड़ियों की तरह है जो हमारे प्रेम को चोक कर देता है. जब हम अपने मन में बहुत ज्यादा ऑफेंस और माफ न करना, अनफॉरगिवनेस लोगों के लिए रखते हैं, तो वो ऑफेंस क्या करता है, वो हमारे
हार्ट में क्या करता है, फेथ को मार देता है। इसीलिए जब चेलों ने परमेश्वर से, जब यीशु मसीह से पूछा कि हमारे विश्वास को बढ़ाना सिखा, तो परमेश्वर ने वहां पे उनको माफ करना भी सिखाया। इसीलिए एक ऐसा जीवन जिए जब आप अपने अंदर लोगों के लिए कड़वाहट ना रखें। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आती भी है तो हम जल्दी से परमेश्वर के पास जाएं और हम उस व्यक्ति को माफ करें। फेथ वर्क्स थ्रू लव। जब तक हम प्रेम में चलते रहेंगे, विश्वास हमारे जीवन के द्वारा बेहतर रहेगा। और तीसरी प्रैक्टिकल कुंजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, अगर आपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। क्योंकि जूड पहली, उसकी पहली अध्याय 20वीं आयत कहती है दैट व्हेन वी प्रे इन द होली गोस्ट, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, सो वी बिल्ड ऑन मोस्ट होली फेथ। और वो ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करता है, तो जितना ज्यादा हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उतनी हमारी स्पिरिचुअल मसल्स बनती रहती हैं। ये मुश्किल नहीं है, मगर अगर हम इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप विश्वास में एक योद्धा बनते जाएंगे। वाओ, देयर इज सो मच, वेरी सो मच। एंड हमारे पास लिमिटेशन है टाइम की, एंड दैट्स व्हाई कई चीजों को पास्टर अंकित हैं वो कंप्रेस करके बता रहे हैं। बट स्टिल आप अगर सुन रहे हैं इसे, तो आई एम श्योर कि आप बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं। तीन चीजें, सबसे पहला आपका विश्वास जो है वो वचन से होता है, और कई बार अंकित भाई ने जैसा बताया, वचन में लिखा है कि क्योंकि हम लोग वचन में कमजोर पड़ जाते हैं, वचन को पढ़ना, उसमें बढ़ना, उसमें रहना वो कम पड़ जाता है, वो हमारे विश्वास को धीमे धीमे ड्रेन आउट करने लगता है। एंड अंकित भाई ने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई, और बहुत से विश्वासी उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, और मैं भी उनको इनकरेज करना चाहूंगा जैसे अंकित भाई ने बताया कि अगर आप अपने विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं या अगर अपने विश्वास में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तुरंत आई थिंक वन ऑफ द क्राइटेरिया कुड बी कि आप जाएं और देखें कहीं आपके दिल में किसी के प्रति अनफॉरगिवनेस तो नहीं है, कहीं आपके दिल में किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं पनप रही है। थैंक यू अंकित भाई। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल somehow down the line कुछ ना कुछ हो जाता है और उसको अपने दिल में लिए बैठे रहते हैं और जानते नहीं है, सोच नहीं पाते हैं कि वो बातें उनके दिल में इतनी बढ़ गई हैं, unknowingly वो वहां पर बैठ गई हैं और अब वो इस हद तक आ गई हैं कि उनके विश्वास को भी अफेक्ट करने लगी हैं। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप सच में अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, अगर सच में मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत विश्वासी बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको ध्यान रखना है। कड़वाहट, अनफॉरगिवनेस, इन चीजों को अपने दिल, अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं करेंगे। और थर्ड थिंग जो अंकित भाई ने बताई, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज आई माई सेल्फ रिमाइंडिंग, मैं खुद रिमाइंड करा रहा हूँ अपने आप को, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है। राइट, एंड आई थिंक आने वाले एपिसोड में हम लोग इस बारे में डील जरूर करेंगे, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड स्पीकिंग इन टंग्स, क्योंकि बहुत सा कंफ्यूजन चारों ओर फैला हुआ है। कुछ लोग इसके लिए, कुछ लोग प्रो हैं, कुछ लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अभी मैं उस बात में जाऊंगा ही नहीं, बट ऑल आई वांट टू से कि हम लोग उसको जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अंकित भाई ने जैसा वचन से बताया, दैट इज इम्पोर्टेंट, जैसा वचन से बताया 14 की पत्री में कि कैसे हम अन्य भाषा में बात करते और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, बिल्डअप करते चले जाते हैं। मुझे यकीन है इस समय आप मेरे भाई और बहन जो सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने विश्वास में इस समय कमजोर महसूस कर रहे हैं। अंकित भाई, आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, इवन बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू क्विकली से अ क्विक वर्ड ऑफ प्रेयर फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर फेथ राइट नाउ? कैन यू जस्ट से अ क्विक वर्ड ऑफ प्रेयर प्लीज? श्योर। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस समय प्रभु ये महसूस करते हैं प्रभु का विश्वास प्रभु कमजोर है, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि प्रभु आपने हमें विश्वास का आत्मा दिया है, और प्रभु हम उसी विश्वास के आत्मा से प्रभु बोलते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप अपने वचन का प्रकाशन और अपने वचन की भूख प्रभु आप मेरे भाइयों और बहनों को दीजिए परमेश्वर, कि जैसे परमेश्वर
वो तेरे वचन के साथ समय बिताते हैं प्रभु, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभु, प्रभु उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने वचन को स्ट्रॉन्ग करने में, प्रभु अपने आप उनका विश्वास बढ़ता जाएगा प्रभु। आपका आपने हमें बताया परमेश्वर कि स्वर्ग का राज्य उस खमीर की तरह है कि जब वो आटे में मिला दिया जाता है तो वो थोड़े समय बाद पूरे आटे को खमीर कर देता है। परमेश्वर वैसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये भूख तेरे राज्य की, तेरे वचन की प्रभु उस खमीर की तरह हो प्रभु, कि जब वो उनके दिल में मिले परमेश्वर तो ये भूख प्रभु पूरी रीति से प्रभु उनको ओवरकम कर दे परमेश्वर, और वो विश्वास के वो व्यक्ति बन जाए प्रभु, योद्धा बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू थैंक यू। एंड हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। एक और चीज जो विश्वासी लोगों से मैं कई बार सुनता हूँ, यू नो सुनाई में आती है अलग अलग लोगों से, कि जब हम उन्हें प्रार्थना के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि विश्वास कीजिए प्रभु आपके लिए करेगा, तो कई बार बोलते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि मेरा विश्वास आपके लेवल पे है। यू नो मैं कई बार सुन चुका हूँ, लोग कहते हैं कि आपका विश्वास तो बहुत एक डिफरेंट लेवल पे है, यू नो मेरा विश्वास जो है वो तो दूसरे ही लेवल पे है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, अगर आप बता सकें, इज देयर लेवल ऑफ फेथ, क्या बाइबल लेवल ऑफ फेथ के बारे में बताती है, और अगर है या नहीं है तो प्लीज आप इन चीजों को प्लीज क्लियर करें। एक्चुअली भाई, बाइबल रोमियो की पुस्तक 12:3 में बात करती है कि गॉड हैज गिवन अस द मेजर ऑफ फेथ, यानी परमेश्वर ने एक ही माप का विश्वास हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी को दिया है। और जिन लोगों को हम देखते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि और इनको इनके पास ज्यादा विश्वास है, उनके पास ज्यादा विश्वास नहीं है, उनके पास जो विश्वास था उन्होंने उसको उपयोग किया है। देखिए, विश्वास एक मसल की तरह है। जो लोग अपने उस अगर अगर आपने देखा होगा कि कई लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना राइट हैंड आज इस्तेमाल करना बंद कर दूं और इस राइट हैंड को कुछ यूज ना करूं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि मेरा पूरा जो दाहिना हाथ है ये सूख जाएगा। वैसे ही इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। वैसे ही देखिए, विश्वास उन बीजों की तरह है। परमेश्वर ने हर किसी को वो माप तो दे दिया है, मगर अगर हम उस माप को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मैं अगर उदाहरण दूं तो आप लगाइए कि दो लोग हैं और दोनों को 5-5 सेब के बीज दिए गए, और जो पहला व्यक्ति है उसने जो 5 सेब के बीज थे उसको थैले में बंद करके अपने घर के तिजोरी के अंदर रख दिए, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने उन 5 बीजों को लेकर वो खेत में गया और उसने खेत में उन 5 बीजों को बो दिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके पास 5 सेब के पेड़ आए और उन 5 के सेब में बहुत सारे सेब आए और उनके अंदर बहुत सारे बीज आए। तो देखिए, कुछ अगर आप 5 साल बाद इन दोनों व्यक्तियों को मिलोगे तो एक व्यक्ति है जो बहुतायत जो है सेब की खा रहा है, उसके पास बहुतायत है सेब की, वही दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास वही 5 बीज हैं तिजोरी में रखे और वो कहता है अरे परमेश्वर ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया जैसा उस व्यक्ति के लिए किया। नहीं नहीं, परमेश्वर ने दोनों को, हम उन दोनों को वही बीज दिए, जैसे परमेश्वर ने हर एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को सेम माप दिया है विश्वास का। कुछ लोग जिनको हम देखते हैं जो जय का जीवन जी रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने उस विश्वास को इस्तेमाल किया और अब वो उसके फल खा रहे हैं। वाह वाह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, प्लीज रिवाइंड दिस सेक्शन अगेन एंड लिसन एटलीस्ट 10 times। सुने इस बात को, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में अगर अटर नहीं किया है, अगर बोला नहीं है, तो सोचा जरूर होगा कि क्या पता मेरा विश्वास उसके जैसा है कि नहीं, क्या पता मेरे विश्वास का लेवल उसके विश्वास के लेवल के जैसा है नहीं। सो जैसा अंकित भाई ने कहा, द मेजर, एक ही विश्वास नाप का दिया गया है, ठीक है, फर्क ये है क्या आपने उसको प्रैक्टिकल उसको इस्तेमाल किया है, उसका उपयोग किया है, उसका फल खाया है या नहीं। क्योंकि जिनका विश्वास सो कॉल्ड आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने अपने विश्वास को अपने कामों में, डेली की लाइफ में बहुत ज्यादा झोंका है ताकि उसको वो अब फायदा उठा रहे हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुतों का इसके द्वारा जो एक क्लाउड है, वो जो एक कंफ्यूजन था, वो हटा होगा। थैंक यू अंकित भाई। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई बिलीव एक विश्वासी को समझने के लिए।
कई बार हम अपने विश्वास को इस हद तक ले जाते हैं कि हमें लगता है कि हम लोग विश्वास के द्वारा लिटरली कुछ भी कर लेंगे। सवाल जो है वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके पीछे, क्या हम अपने विश्वास में इस हद तक जा सकते हैं कि अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की मर्जी को भी बदल दें, परमेश्वर के प्लान्स को भी बदल दें और जो परमेश्वर करना चाहता है उसको भी बदल दें? क्या विश्वास के द्वारा ये किया जा सकता है? प्लीज हमें बताएं। भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई परमेश्वर के प्लान को बदलना चाहता है तो आप एक सही जगह में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान परफेक्ट प्लान है। आपके जो आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं उससे 1 बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। मगर दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा और बोला कि टेकिंग रेकलेस स्टेप्स ऑफ फेथ टेकिंग रेकलेस स्टेप्स इज नॉट फेथ। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अरे विश्वास का मतलब है कुछ भी करो, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं विश्वास का व्यक्ति हूं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। यानी अगर आपने सुना ही नहीं परमेश्वर ने आपको उस एरिया में क्या कहा है तो उस एरिया में आपको विश्वास नहीं है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने कुछ एरिया में आपसे बात ही नहीं करी, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और अगर आपने सुना ही नहीं तो आपको उस एरिया में विश्वास नहीं है। और देखिए कई बार लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही विश्वास अंधा नहीं है। कई लोग कहते हैं फेथ इज ब्लाइंड, नहीं जी बिल्कुल, फेथ बिल्कुल भी अंधा नहीं है। फेथ आता है परमेश्वर के वचन से और वचन परमेश्वर की तरफ से आता है। देखिए अगर पतरस अपनी मर्जी से बोट से बाहर नहीं गया, उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि क्या प्रभु मैं इस नाव से बाहर आ जाऊं अगर तू ही है, उन्होंने कहा जा। और जब उसने उस वचन पे उस वचन को सुना तो उसने पतरस के अंदर ये विश्वास दिया कि वो पानी के ऊपर चल सका। सो अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक कि ये विश्वास है। विश्वास सुनने से आता है। अगर आपने किसी एरिया में सुना नहीं तो आपको उस एरिया में विश्वास भी नहीं। वाओ, मैंने 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 पर्पसफुली ये सवाल आपसे भाई इसलिए पूछा ना, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल, कि वो अगर हमने सुना ही नहीं उस एरिया में तो विश्वास कहाँ से आएगा, और हमारा जो विश्वास है वो रेकलेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है लोगों के अंदर एक बड़ा ही अजीब सा सेंस बैठा होता है कि मैं अपने विश्वास से कुछ भी कर सकता हूँ। एंड इट इज लाइक यू नो, पुराने टाइम में हम देखते थे कि कुछ लोग तपस्या के लिए बैठ जाते थे, और इट्स लाइक यू नो परमेश्वर का हाथ मोड़ने वाली बात है कि प्रभु मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, मैं विश्वास करूंगा और आपको मेरे लिए करना ही है। एक फनी इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, और क्योंकि अंकित भाई ने ये बताया इसलिए मैं जस्ट शेयर करके हम आगे बढ़ेंगे। बचपन की बात है कि एक आंटी हुआ करती थी हमारे पहले चर्च में जहां पर मैं रहा करता था, और मैंने उनके पड़ोसियों से ये कहानी सुनी, और उन्होंने बताया कि एक दिन उनकी लड़ाई उनके पड़ोसियों से हो गई। तो आंटी अपनी लड़ाई के अंदर इतनी फ्यूरियस हो गई कि वो विश्वास से अपने पड़ोसी को कर्ज करने लगी। She started cursing by faith. बोले कि मैं विश्वास से तुझे ये श्राप देती हूँ, विश्वास से तुझे ये श्राप देती हूँ, और मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, और परमेश्वर तेरे घर को तबाह कर देगा, परमेश्वर तेरे बच्चों को नाश कर देगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा उस समय, क्योंकि मैं विश्वासी नहीं था उस समय, बस मैं चर्च जाया करता था, मुझे ऐसा लगा कि वाओ, विश्वास से ये भी हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी के ऊपर कर्ज मांग सकते हैं। लेकिन अब हमें समझ में आया कि ऐसा नहीं है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लगे और कुछ भी परमेश्वर आपकी सुन के कर दे, या फिर परमेश्वर की योजनाएं आप बदल दे। एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट दैट अंकित भाई, कि परमेश्वर की योजना परफेक्ट है। परमेश्वर की योजना आपके लिए परफेक्ट है, परमेश्वर की योजना मेरे लिए परफेक्ट है। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया। क्या हमारा विश्वास और हमारा देना किसी भी तौर से रिलेटेड है? और अगर रिलेटेड है तो ये हमारा विश्वास हमारे देने पर कैसे इफेक्ट करता है? आई बिलीव एक्चुअली भाई बिल्कुल हमारा विश्वास और हमारा देना प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट देना ही नहीं, परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है व्हाट एवर इज नॉट ऑफ फेथ इज सिन। जो कुछ विश्वास के द्वारा नहीं किया जाता नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है जब हम आप इसमें देखते हैं। तो केवल देना ही नहीं, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ बिना विश्वास के तो परमेश्वर को प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं है। अगर मैं देता हूँ बिना विश्वास के तो परमेश्वर को वो
ऑफरिंग ग्रहण योग्य नहीं है। अगर मैं मिनिस्ट्री करता हूं बिना विश्वास के तो परमेश्वर को, यहां तक कि परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, इंग्लिश बाइबल कहती है, मुश्किल नहीं है इम्पॉसिबल है। और परमेश्वर का वचन हिब्रूस 4 में हमें बताता है कि जो सुसमाचार हमने सुना वही सुसमाचार इसराइलियों ने भी सुना था, मगर उस सुसमाचार से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसमें फेथ नहीं मिलाया। सो अगर मैं ऐसे कहूं कि फेथ ही वो इंग्रेडिएंट है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कई बार मोनिका मेरी जो वाइफ है, अगर वो मेरे चाय बनाएंगी और वो बहुत कम चीनी लेती है मगर मैं ठीक ठीक चीनी लेता हूं, अगर वो चीनी नहीं मिलाएंगी तो मुझे मजा नहीं आएगा उस चीज में। तो अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, फेथ वो इंग्रेडिएंट है, फेथ वो सामग्री है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं अगर उसमें वो सामग्री नहीं मिली विश्वास की तो परमेश्वर को वो चीज ग्रहण योग्य नहीं है। चाहे वो कुछ भी हो, हमारा देना ही नहीं, हमारी प्रार्थना, हमारा आराधना, हमारा प्रचार करना, हमारा वचन पढ़ना, जो कुछ भी हम करते हैं अगर वो विश्वास से नहीं करते हम तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि फेथ वर्क्स बाय लव, और प्रेम का एक बहुत अच्छा चिन्ह क्या है कि लव इज मैनिफेस्टेड इन आवर गिविंग, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। आप बिना दिए हुए प्रेम को प्रकट कर ही नहीं सकते। प्रेम, लव इज नॉट सेइंग आई लव यू एंड सेंडिंग लव इमोजीज ऑन व्हाट्सएप। लव इज लिविंग, यू नो, लव इज डेमोंस्ट्रेटेड इन आवर गिविंग। प्रेम जो है वो सच में हमारे देने में डेमोंस्ट्रेट होता है। और जब हम विश्वास के लोग हैं तो हम जानेंगे कि जो हम परमेश्वर के लिए देते हैं या हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो हमारा प्रिविलेज है, वो हमारा सौभाग्य है। जो भी हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वो हमारे लिए, वो हम एक बर्डन या एक ड्यूटी की तरह नहीं करते मगर वो हम अपने प्रिविलेज समझ के करते हैं। सो आई थिंक जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं अगर हम उसमें फेथ को नहीं मिलाएंगे तो हमें उस चीज से कोई लाभ नहीं, वो केवल एक रिलीजियस रूटीन और रिलीजियस ड्यूटी। वाओ, थैंक यू फॉर टेकिंग इट टू अनदर लेवल। सिर्फ देना ही नहीं, आपकी प्रार्थनाएं और जो कुछ भी आप करते हैं अगर उसमें विश्वास नहीं मिला हुआ तो वो बेकार है। वाओ, थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू। एंड आई होप यू विल रिमेम्बर दिस, बिकॉज फेथ इज द इंग्रेडिएंट, वो मेन इंग्रेडिएंट है आपके आपके मसीही जीवन का। थैंक यू, आमेन अंकित भाई, थैंक यू सो मच। एक और जो सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक गैर मसीही परिवार से आए हैं, इनफैक्ट आपके चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, जो कि गैर मसीही परिवारों से या अलग फेथ से आए हैं। आज भी बहुत से ऐसे जवान हैं जिनके परिवार में उनके माता पिता या उनके भाई बहन या रिश्तेदार उन्होंने प्रभु को नहीं जाना है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक मसीही विश्वासी कैसे अपने उन अविश्वासी परिजनों को, अपने उन अविश्वासी रिश्तेदारों, माता पिताओं, दोस्तों को कैसे अप्रोच कर सकता है प्रभु में लाने के लिए, प्लीज थोड़ा सा आप इसमें बताएं। भाई सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्यों, क्या गलती मैंने करी, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो वो ये गलती करे। कई बार हम क्या होता है, हम अपनी जील में, हम लोग उस जलन में आ जाते हैं परमेश्वर के, कि हम अपने उन लोगों के पास जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते और हम कई बार उनको गलत बातें बोलने लग जाते हैं अपनी अपनी जील में। जैसे परमेश्वर का वचन रोमियो 10 में यहूदियों के लिए कहता है कि उनके पास जील तो थी बट नॉलेज नहीं था, है ना, उनके पास ज्ञान नहीं था परमेश्वर का। तो मैं हमेशा कहूंगा कि परमेश्वर का ज्ञान हमें नम्र बनाता है। अगर परमेश्वर का ज्ञान हमें कभी भी घमंडी नहीं बनाता, अगर हम लोग सोचते हैं क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हम उनसे बेहतर हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं है। सो आई थिंक सबसे मेन अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो जो हमारे परिवार वाले हैं उन्हें हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज दिखना चाहिए, केवल हमारे शब्दों में नहीं मगर हमारे जीवन जीने में, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और इनफैक्ट मेरे माँ बाप भी प्रभु में इसीलिए आए जब उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। मैं बहुत गुस्से वाला, मेरा 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 रिश्ता अपने पिता के साथ अच्छा नहीं था, और एक दिन मैंने एक दर्शन को देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह आए और मैं उनके पांव धोने लग गया, और
उसके बाद आत्मा में प्रभु मुझे देहरादून में ले गए और देहरादून में मैंने देखा कि मेरे माता पिता आगे बिस्तर में बैठे हुए हैं और प्रभु ने मुझसे कहा कि जा अब उनके पांव धो। और जब वो चीज हुई तो तब मैं जाना कि सच में कई बार हम अपनी जील में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। सो जो भी भाई मेरी आवाज को सुन रहा है, जो भी बहन मेरी आवाज को सुन रही है, और आपके परिवार में अगर आपके माता पिता प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, मैं फिर भी आपको कहूंगा उन्हें आदर दीजिए, बल्कि मैं कहूंगा उन्हें और आदर दीजिए, उन्हें और प्रेम दीजिए और होने दीजिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को आपके द्वारा देखे। जब वो उसी घर में यीशु को साक्षात चलता फिरता हुआ देखेंगे आपके थ्रू, क्योंकि बाइबल कहती है वी आर द लिविंग एपिस्टल्स, हम प्रभु यीशु मसीह की जीवित पत्रियां हैं, जब वो आपके अंदर मसीह को देखेंगे तो वो सच में आपसे कहेंगे कि इस व्यक्ति का, मेरे बेटे का जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया और मैं भी उस यीशु को जानना चाहता हूँ। वाओ, आई थिंक आपने एक की फॉर्मूला बता दिया है वहां पर कि सिर्फ वचनों से नहीं, अपने जीवन से आप प्रचार कीजिए, अपने जीवन से बताइए कि यीशु मसीह कौन है, उसने क्या किया है। आई एम श्योर लोग जो हैं वो जरूर उस अंतर को देखेंगे, उस अंतर को समझेंगे, और जब उस अंतर को वो समझेंगे वो जरूर से देखना चाहेंगे कि किसने उस अंतर को पैदा किया है, और आप वहां पर गवाही दे सकते हैं, आप वहां पर तब वचन को प्रचार कर सकते हैं। इफ आई वुड कोट इट करेक्टली, किसी ने कहा है कि प्रचार करो और जब जरूरत पड़े तो बोलो, यू नो, प्रीच एंड व्हेन इट इज नेसेसरी स्पीक। तो प्रीच कैसे करें, अपने जीवन से हम लोग करें प्रीच। आमीन। एंड मेरी यही प्रार्थना है भाइयों बहनों कि आपका जीवन प्रभु इतना आशीषमय बनाए, आपका जीवन प्रभु इतना समृद्ध बनाए कि लोग आपके जीवन में देखें और वो अविश्वासी लोग, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके परिवार के लोग हों, वो देख के कहने पाए कि कुछ तो अलग हुआ है इसके जिंदगी के अंदर। आमीन। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द आंसर एंड द रेवलेशन जो आपने हमारे संग बांटे हैं। दोज आर अमेजिंग अमेजिंग। आई नो कि हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस छोटे समय में बताई, और मैं जितने भी सुन रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वॉच इट एज मेनी टाइम एज यू कैन। और अगर इस एपिसोड को देखने के बाद में आपके पास में सवाल उठे हैं, विच आई एम श्योर कि उठे होंगे, तो प्लीज आप रीच आउट कीजिए, प्लीज आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप पास्टर अंकित को रीच आउट कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस समय नीचे लिंक आ रहा है, उनके चर्च का फेसबुक अकाउंट है, फेलोशिप ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसका लिंक नीचे आ रहा है, प्लीज गो हैड साइन अप, सब्सक्राइब, जो भी आप कर सकते हैं उन्हें रीच आउट करने के लिए कीजिए, और आई एम श्योर कि आप जब उनसे अपने सवालों को पूछेंगे आप अपने जवाबों को पाएंगे और एक अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलने पाएगा। जाते जाते एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विच इज आई फील वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिलीज अ वर्ड ओवर द सीजन, ओवर द पीपल हु आर वॉचिंग राइट नाउ, एक परमेश्वर का वचन हमें जरूर दीजिए जाते जाते। क्योंकि भाई स्पेशली इस समय में जब लोग बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की, और लोग बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा अंधकार हो गया है और पृथ्वी कितनी खराब हो गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी समय खराब समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। तो जो वचन मैं आज हर किसी के साथ बांटना चाहता हूँ जो मेरी आवाज को सुन रहा है, वो है आइज़ाया चैप्टर 60 वर्सेस 1 एंड 2। मैं इसको हिंदी में एक मिनट पढ़ देता हूँ। सो ये वचन है यशाया का, और पहली और दूसरी आयत, और इसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब दुनिया में डार्कनेस है, व्हेन पीपल आर ऑल टॉकिंग अबाउट डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन, परमेश्वर का वचन कह रहा है यही वो समय है जब यहोवा की महिमा, जब परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर का प्रकाश उसकी कलीसिया के ऊपर उदय होगा। एंड आई बिलीव
वी आर गोइंग टू विटनेस द मोस्ट ग्लोरियस टाइम्स द चर्च हैज एवर विटनेस. मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम उन समयों में जाने वाले हैं जब परमेश्वर के लोग, यू नो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मिस्र के कैंप में रोना और विलाप करना था इसराइलियों के कैंप में, जब वहां पे अंधकार था इसराइलियों के कैंप में, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके कैंप में ज्योति था और उनके कैंप में सेलिब्रेशन था. सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो समय आने वाला है जब परमेश्वर की कलीसिया खड़ी होगी और पूरी दुनिया उस महिमा को देखेगी जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर उदय होगी. वाओ, आमेन, आमेन. बुरा समय नहीं है आपका. ऑलराइट, सुन लीजिए, बुरा समय नहीं है आपका और परमेश्वर के लोगों का बुरा समय नहीं है, क्योंकि जो दिन भाई ने बताया, बाइबल कहती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और प्रभु ने ये दिन अच्छा हमारे लिए बनाया है, बुरा नहीं अच्छा बनाया है. और जब तक परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे लिए भलाई बनी रहेगी. और जैसे दाऊद कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर सदा सर्वदा मेरे संग संग बनी रहेगी. थैंक यू अंकित भाई सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज प्रेशियस थॉट्स. आई एम पर्सनली ब्लेस्ड एंड आई एम श्योर कि जितने भी सुन रहे हैं वो सब आशीषित हुए हैं, उन्होंने भी आशीष पाई है. एक बार फिर से, अगर आप दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं, कभी दिल्ली से होके जा रहे हैं, प्लीज टेक सम टाइम एंड फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट FOLJ चर्च जाइए. इस समय दिल्ली के फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्चेस में से है. प्रभु बेदारी के साथ में वहां पर काम कर रहा है. प्रभु अद्भुत काम उस कलीसिया में कर रहा है. पास्टर अंकित वहां के सीनियर पास्टर हैं, फाउंडिंग पास्टर हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं. आई हैव बीन ब्लेस्ड उनके चर्च में जाने से और मुझे यकीन है कि आप भी जरूर आशीष पाएंगे. एंड एज आई सेड अर्लियर कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब, प्लीज कनेक्ट होइए उनके साथ में और प्रभु के वचन को सीखिए और उनकी शिक्षाओं को, प्रभु की शिक्षाओं को आप पाइए. थैंक यू वंस अगेन अंकित भाई आपका समय देने के लिए. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, भाई अंकित उनके परिवार और उनके बच्चों के लिए प्लीज आप बराबर प्रार्थना करते रहिए. प्रभु के दास को अपनी प्रार्थनाओं में उठाइए, प्रभु का प्रोटेक्शन उनके ऊपर मांगिए, प्रभु की बरकत उनके ऊपर मांगिए. सो अंकित भाई, जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू कैन लीड अस इन प्रेयर एंड ब्लेस एवरी व्यूअर दैट इज हु इज वॉचिंग राइट नाउ. श्योर, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु. मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु आप उन्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दीजिए परमेश्वर. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए परमेश्वर, कि वो देख सकें कि प्रभु वो महिमा जो मसीह यीशु में है प्रभु वो कितनी महान है परमेश्वर, वो महिमा का धन कितना बड़ा है प्रभु जो तेरे संतों के लिए परमेश्वर. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है प्रभु उसके अंदर ये भूख हो जाएगी कि परमेश्वर मैं विश्वास का वो व्यक्ति बनूंगा प्रभु, मैं विश्वास में जीऊंगा, मैं तेरे वचन में समय बिताऊंगा प्रभु, मैं तेरे वचन को मनन करूंगा परमेश्वर. और प्रभु आपका वचन कहता है कि अगर हमारे विश्वास प्रभु राई के दाने के बराबर भी होगा तो भी प्रभु हम पहाड़ पहाड़ियों को हटा देंगे परमेश्वर. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी परमेश्वर डिफरेंट नेशंस में प्रभु हमारे देश में और अलग अलग देशों में परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है प्रभु जो प्रभु सच में विश्वास की पीढ़ी है प्रभु, जो केवल केवल बातें नहीं करती है परमेश्वर मगर सच में वो डेमोन्स्ट्रेशन में चलती है प्रभु, वो प्रकट करती है परमेश्वर कि सच में हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और वो किससे कहानियां नहीं है, वो सच में पहाड़ों को हटाने वाली परमेश्वर एक जनरेशन खड़ी हो रही है. एंड फादर आई डिक्लेयर दैट लॉर्ड दैट जनरेशन इज राइजिंग. और प्रभु जो मेरी आवाज को सुन रहे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि एक ऐसी पीढ़ी प्रभु तो हमारे समय में खड़ी करने जा रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन. धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है भाई कि आपकी सेवकाई और आपकी बुलाहट जो प्रभु ने आपको दी है, कलीसिया प्रभु ने आपको दी है, उसके ऊपर प्रभु बरकत देता रहे और आने वाले दिनों में वो कलीसिया और भी अधिक बढ़ती चली जाए और एक बेदारी आपके द्वारा न सिर्फ दिल्ली NCR में लेकिन पूरे इंडिया और दुनिया भर में प्रभु लेके आए, ये मेरी सच में प्रार्थना है. थैंक यू अंकित भाई. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच अश्ले भाई. थैंक यू. ब्लेस यू. थैंक यू भाई. गॉड ब्लेस यू.